आबिद हमारा छोटा भाई है, इसके बाद भैया आपको आना है, बोला भैया आ जाएंगे जरूर, मगर ये मामला न कौम न मजहब इसका नहीं, ये मामला एकता का है। आप लोग सब जितने भी शाह बिरादरी के लोग हैं, जिस दिन मन में एकता हो जाएगी कि हमें इस काम के लिए आगे बढ़ना है, उस दिन मंजिल और रास्ता दोनों मिलेगा। और कुर्बानी, शहादत, इन सबसे किसी भी लड़ाई में ये दोनों चीज सबसे पहली लड़ाई है। रास्ता आसान, समय लग सकता है, पर समय जरूर लग सकता है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाली पीढ़ी इस मसले को समझे, इस मामले को समझे, तो अपने दिल में उतार के रखे। अगर आने वाली पीढ़ी भी इस लड़ाई में आपके साथ शामिल होगी, तो आपकी संख्या इतनी बड़ी होगी कि कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई, जहाँ भी आपको ये चीज़ चाहिए वो जरूर आपको ध्यान चाहिए। और इस तरह का लगता है कि इस तरह का जो हॉल है ये भी शायद छोटा पड़ जाएगा जब अगली बार आप लोग इस तरह का आए। और अगर पहचान खो दिया तो 700 करोड़ लोगों में हम कभी भी अपने आप को लगा, इसीलिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है। मैं आबिद को कहूँगा भैया, अभी आज इस तरह इस माहौल में नहीं, बट कभी अकेले में हम लोग जो भी दो चार दिन हम जो भी कर सकते हैं अकेडमी में, जैसे ये उर्दू अकेडमी वैसे हम लोग की हिंदी अकेडमी भी है, कभी भी जो भी आना चाहे लेकर आओ, बैठ के ठीक से चर्चा करें फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कहावत है यथाशक्ति यथा सबूत, मतलब जो जितनी मेरी काबिलियत होनी चाहिए तो मैं जरूर करना चाहूँगा। बाकी यहाँ बहुत सुंदर लिखा, मैं भी उस लाइन को पढ़ देता हूँ। दराज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती अंदाज ए गुलिस्तान पैदा। कॉपीराइट जिसका भी हो वो मुझे माफ करेंगे, बट इतना सुंदर था मुझे लगा आज की डॉक्टर इकबाल का है, मगर मुझे लगा आज की इस मीटिंग के लिए ये सबसे उम्दा वो था। नमस्कार। शाहरुद्दीन शाह साहब, विचारपति जिन्हें बोलने एकटू आगे এখানে গণ্যমান্য যারা রয়েছেন, মঞ্চে উপস্থিত, সামনেও যারা আছে, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, সাধারণ জনগণ, সবার উদ্দেশ্যে আমি দু চার কথা বলতে চাই। এই যে ফকির গোষ্ঠীমুক্ত মানুষ, এদের সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার, বিশেষ করে এনারা যেভাবে ইংরেজ আমলে খালি সেলফি করে আমাদের যে আজাদির লড়াই, স্বাধীনতার লড়াই, সেই লড়াইয়ে দেশবাসীর হয়ে এবং ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, সেই গৌরবময় ইতিহাস, উজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের মনে রাখা দরকার। কারণ আজকেও স্যার আমরা একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে, একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, যে স্বপ্নের ভারত তৈরি করার জন্য এনারা লড়েছিলেন, যে ভারত হবে গণতান্ত্রিক ভারত, যেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা থাকবে, যেখানে সমাজতান্ত্রিক ধারায় দেশের শাসন ব্যবস্থা চলবে, সেই ভারতের স্বপ্নে এনারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে প্রাণ দিয়েছে। সেই গৌরবময় ইতিহাসের কথা আমরা ভুলব না, আমাদের ভোলা উচিত। আজকে যে জিনিসটা আমাকে সাধারণ মানুষ হিসেবে পীড়া দেয়, সব থেকে বেশি পীড়া দেয়, যে স্বপ্নের ভারত, যে গণতান্ত্রিক ভারত রক্ষার জন্য, সৃষ্টি করার জন্য আমরা লড়াই করেছিলাম, আমি হয়তো করিনি কারণ আমি সে জন্মাইনি, আমার পূর্বপুরুষেরা লড়াই করেছিল যাদের জন্য আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, এই ধরুন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। তুমি বাড়িতে পুজো করো না, কেউ বারণ করেনি,
এই ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করবেন না, ধর্মের নামে জিগির দেবেন না। আপনি ভাববেন না আপনি মুসলমান মানে আপনি বিচ্ছিন্ন, আপনি ভারতীয়। আর একজন হিন্দু মানে সে আপনার শত্রু নয়, সে আপনার ভাই। গরিব হিন্দু গরিব মুসলমানে কোনো তফাত নেই। এই ধর্মটা হচ্ছে বড় লোকদের খেলা, গরিব লোকেদের ধর্ম। গরিব সে খেতে পায় না। এটা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, হাই তুলবেন না, শুনুন মন দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দকে মানেন তো, বলেছিলেন আমি ধর্মে বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি রুটি। যে ধর্ম আমাকে রুটি দিতে পারে না সেই ধর্মে আমি বিশ্বাস করি না। স্কুল করুন, হাসপাতাল করুন, নলকূপ করুন, গভীর নলকূপ যেখানে পানীয় জল এখনো মানুষ পায় না, রাস্তা করুন, মন্দির করে কার লাভ হচ্ছে, মসজিদ করে কার লাভ হবে। आपको मेमेंटो दे करके उनका सवाल कर रहे हैं। दुनिया में हक मांगने वालों को अपना फर्ज निभाना पड़ता है। हक और फर्ज का रिश्ता रूह और जिस्म की तरह एक दूसरे से अपनी जरूरियात का मुतालबा करता है। हम लोगों को आदत पड़ गई है हक मांगने की। कठिन और कठोर बात कह रहा हूं, मगर आदत नहीं बनी हमारी फर्ज अदा करने की। बात को जब तक हम फर्ज नहीं अदा करते हमें हक मांगने का कोई हक ही नहीं। हक मांगने के लिए फर्ज अदा करना जरूरी है। ड्यूटी है आपकी 8 घंटे की, 4 घंटे कीजिए नेता की भी, और 1 घंटा भी काम ना कीजिए फर्ज अदा किए बगैर हक मांगिए, तो क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल। हम लोगों ने जो सबसे बड़ी गलती की है जिसके नतीजे में आज हम अपने हुकूक के मुतालबे को हुकूमत की तहलीस पर सेमिनार और जलसों के जरिए रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमने गलती ये की कि हमने फर्ज अदा नहीं किया। जिन लोगों ने फर्ज अदा किया था, मजनू शाह साहब और उन जैसे दीगर मुजाहिदीन ने, आज उनकी खिदमत में खिराज अकीदत पेश करके हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। उन्होंने फर्ज अदा किया था इसलिए उनका हक है कि हम उनके फर्ज की तहसीन करें, और जिस तरह उन्होंने फर्ज अदा किया था जंगे आजादी में, हम सब जानते हैं 100 साल से कम या कुछ ऊपर तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पे जितने आतंकवादी कोड़े बरसाए हैं वो तारीख के दर्द भरी दास्तान है। और वो इतने चालाक थे कि सफेद अंग्रेजों ने जाते जाते इस हिंदुस्तान में अपनी काली औलादें भी पैदा कर दी। अंग्रेजों के दौर के जुल्म और जब और दास्तान गुलामी को जब हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजों की काली औलादें आज इस दौर में इस आजाद मुल्क में उनकी कहानी मोछ पर ताव देकर दोहरा रही है। मैं आपकी मोछ देख के नहीं कर रहा हूं जुमले होते हैं बोल दिए जाते हैं। बहरहाल जंगे आजादी में आपने अपना फर्ज अदा किया,
तो हक आपको आज मिलना चाहिए था। आज हम यहाँ ये सेमिनार या मीटिंग इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमने फर्ज अदा किया था, हमें उसका हक मिलना चाहिए। तो हक मिलेगा कैसे? अंग्रेजों के जमाने में फर्ज आपने अदा किया था, आपको सूली और फांसी मिली थी। इस बात को मत भूलिए कि आज भी आजाद हिंदुस्तान में काले अंग्रेजों की हुकूमत है। और जब जब हक के लिए आप आवाज उठाइएगा, चलती हुई जुबानों को सियासत की कैंची से काट लिया जाए। क्या आप अपनी चलती हुई जुबानों को कटवाने के लिए तैयार हैं? क्या राहे अज़्म व वफ़ा में आप अपने पैरों में छालों को की सौगात लेने के लिए तैयार हैं? काश सबकी अक्ल में आता यह आसानी के साथ, नेमते कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे अपने हुकूक के जद्दोजहद के लिए, कुर्बानी की जरूरत है। हम दोनों महाज पे फेल। मैं एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूं आपसे। मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऊपर दो फर्ज थे जिसका हक हमें अदा करना है। एक था हमारे पैदा करने वाले का हक, हमने अपना फर्ज उसके साथ भी नहीं निभाया। और एक था जिस मखलूक को उस खालिक ने पैदा किया उसका हक, उसका भी हक देने के लिए हमने फर्ज अदा नहीं किया। मस्जिदें वीरान है, कितने लोग जोहर पढ़ के आए हैं और कितने लोग जोहर पढ़ना चाहते हैं। मोदी जैसे भिखारी से आपको अपना हक चाहिए, नेताओं से। ये नेता लाख चौकी पे बैठे, मूल के संविधान ने तो ताकत आपको दी, नेता चौकी पे बैठने के बाद भी चौकीदार है और आप जमीन पर बैठने के बाद भी जमींदार हैं, इस बात को मत भूलिएगा। जमींदार फैसला करता है कि उसका चौकीदार कैसा होना चाहिए। आज जो आपका हक आपको नहीं मिला, आपके फैसलों की वजह से नहीं मिला, आपकी नाकबत अंदेशी की वजह से आपको नहीं मिला, कुर्बानी के जज्बे से अपने जज्बात को खाली करने की बुनियाद पर आपको नहीं मिला। उन बुजुर्गों ने तो हिंदुस्तान को उसका हक दिलवाया था, अपना फर्ज अदा करके मजनू शाह जैसे लोगों ने गर्दनें कटवा दी, शहादत का तख जाम पी लिया, दार और रसन को चूमा, और ये कहते कहते अंग्रेजों के मुंह पे थूकते हुए उन्होंने अपनी जान दी। कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, खाके वतन की मिट्टी रखते कोई कफन में। और इस तरह वो गए इस दुनिया का करना है और अपनी कौम का भी अदा करना है। कौम में भी आप सिर्फ एक कौम है जिसका नाम है कौम मुस्लिम। जो बंटवारा है आपका, मैं इस बंटवारे की ताईद चंद शरायत के साथ करता हूं। बिला शर्त इस बंटवारे को तस्लीम नहीं किया जा सकता, चाहे आप खान साहब कहलाते हो, सैयद साहब कहलाते हो, शेख साहब कहलाते हो, मंसूरी साहब कहलाते हो, अंसारी साहब कहलाते हो, राइन साहब कहलाते हो, या शाह साहब कहलाते हो। जो शाह साहब हो जाते थे वो बेनियाज हो जाते थे, शाह साहब भिखारी नहीं होते थे। मगर क्या वो रवायत हमारे अंदर जिंदा है? मैं बड़े सवाल सारे सवालिया निशान छोड़ता जा रहा हूं आपके जहनो फिक्र की लौह पर। आप उस तख्ती पर उस निशान को पढ़िए। तकरीरों से कौमों की तकदीरें नहीं बदलती, तहरीकों से कौमों की तकदीरें बदलती। और उस तहरीक के लिए एक सच्चे दीन, एक सच्ची सियासत, एक सच्चे शऊर, एक सच्ची दानिश, एक सच्चे इल्म की बहाली के लिए घर में बैठकर और इस तरह मीटिंगें करके ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। मक्का में भी वो ख्वाब नहीं देखा गया था, मदीने में भी वो ख्वाब नहीं देखा गया था। अज़्म मुसम्मम को रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में अकीदे और अमल की चट्टान पे खड़े होकर के दुनिया के सामने पेश किया गया था। आपको कामयाबी उस वक्त मिली
जब आप 313 थे और 1000 के मुकाबले में डट गए, और आपको कामयाबी उस वक्त मिली जब आप 1500 थे सुलह हुदैबिया में, ताकत थी कुचल देते मक्का वालों को, मगर आप हट गए। तो तहरीक में और तहरीक को कामयाब करने में लीडर के अंदर यह दुरंदेशी होती है, कभी कभी भागा तो मर्द कहलाता है और कभी कभी रुक गया तो भी मर्द कहलाता है। यह मर्दानगी दानिश्वरी का सहारा लेते हुए दुरंदेशी पर मबनी होती है। बद्र में आप अकलियत में थे, अक्सरियत में डट गए, सुलह हुदैबिया में तो 1500 थे हट गए। मकसद बरारी के लिए हटना भी मर्दानगी है और डटना भी मर्दानगी है। उसे न बुजदिली का नाम दिया जा सकता है न शिकस्त का। आज हमने जो कुछ भी हिदायत के चश्मे हासिल किए हैं या अपने हुकूक की बाजियाबी के जो तसव्वुरात हमें मिले, वो तसव्वुरात किसी दुनिया के लीडर से नहीं मिले, याद रखिए वो मदनी पैगंबर से मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए उनकी जिंदगी, तो लीडरों की जिंदगी और जमाने का फलसफा पढ़कर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कौम मुस्लिम उसी वक्त कामयाब होगी जब वो अपने पैगंबर की कायदाना सियादत, कायदाना बसीरत और बसारत को अपनी पढ़ करके समझ करके अपनी जिंदगी में उतार के अमली मुजाहरा करे, तब इनकलाब आता है। आदमी सब होते हैं, इंसान सब नहीं होते। मजनू साहब सिर्फ आदमी नहीं थे, इंसान भी थे। मुजाहिदीन इंसानियत और मुजाहिदीन हिंदुस्तान, उनके अंदर सिर्फ आदमी जैसी कॉमन चीज नहीं थी, इंसान जैसी मुनफरिद शख्सियत थी। और मैं इतना जुमला कह के आपके हुकूक की तायद करते हुए रुख्सत होता हूँ आपसे कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। शुक्रिया। That's what I really need. आपको मेमेंटो दे करके उनका सवाल कर रहे हैं। बोलना बिता हो सके तो तू बोल। तो सुन रहा पहले देते आज 40-45 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये पहले दफे असदुद्दीन साहब ने, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने ये इसका अंजाम दिया है और अरेंज किया है। सो इट्स रियली ग्रेट। हम लोग अपना जो हिस्ट्री है, अपना जो तहजीब है, हम लोग उसको भूल रहे हैं। मजनू शाह एंड जो साई संप्रदाय है और जो फकीर संप्रदाय है और जो सूफी संप्रदाय है, उन लोग सिर्फ इसमें खरका में बैठ कर अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे। वो लोग जरूरत हो तो तलवार भी पकड़ते थे, अब बंदूक का भी सामना करते थे, ये आप लोग जानते हैं। और हम लोग मजनू साहब में उस तरह देखते हैं। दूसरा जो उनके साथ जो फकीर लोग थे, जो लोग ब्रिटिश था उनके एजेंस में ये किया था, रिवोल्यूशन किया था, तो हम लोग देखते हैं। लेकिन उनका बारे में हिस्ट्री में बहुत कम लिखा हुआ है, बंगाल का हिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं। तो क्यों? मजनू साहब बंगाल में ही बहुत काम किया, रंगपुर, बगुरा, मैमन सिंह, ये सब जगह, ये सब ईस्ट पाकिस्तान में था, अभी बांग्लादेश में है, और बक्सर में, ये सब एरिया में काम किए उन्होंने। और उन्होंने संगठित किया फकीर लोगों को, और ब्रिटिश के एनएस में खड़ा हो गए थे, जो कि 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को एक क्या कहे, एक टीचर के तौर पर, विश्वासघात के तौर पर उनको हराया था और उनको हत्या भी किया था ब्रिटिश के एजेंट लोग। तो उसके बाद एक नया दिशा दिखाया था फकीर मजनू शाह। लेकिन और उनके साथ जो उनका साथी लोग थे, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र का एक बड़ा एरिया था बंगाल, ये आप लोग जानते हैं। तो बंगाल का लोग भी उनको बहुत मानते हैं, फकीर मजनू शाह इनको। तो हम लोग इस इनका हिस्ट्री को, इनका बायोग्राफी को हम लोग सामने रखें और उससे इंस्पिरेशन लें। अब दोस्तों